अर्थविन गुले गुले। आज की जो जर्नी है वो हमारी 90 किलोमीटर की है, राज्य करके RAZE राज्य करके जगह है, वहाँ पे हम पहुँचेंगे। वहाँ पे आज हमने एक काउसर्फिंग को रिक्वेस्ट भेजी है, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, तो उनका कोई कैफ़े है उसके ऊपर हम रुकेंगे आज। देखो भाई के दूसरा भी दिखा दो, सेट नहीं हो पा रहा, देखते हैं क्या होता है। ये एक्चुअली टूट गया, अब तो वहाँ पे भी कोई साइकिल की दुकान मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और दूसरी बड़ी समस्या क्या है, अगर ATM नहीं मिला तो और बड़ी समस्या हो जाएगी। अभी तक मैंने तुर्की की करेंसी चेंज नहीं करवाई है, तो वो भी करानी ज़रूरी है। यार 15 किलोमीटर है शहर जहाँ पे साइकिल ठीक होगी, अभी इसकी हालत देख लो, चैन होगी ख़राब इसकी। और रास्ते में भाई पी थैंक यू ईरान ना हिंदुस्तान हिंदुस्तान इधर कुछ चाय चाय पी लेता हूँ फिर चलता हूँ भाई। ये बोल रहे हैं कि किताब लिखते हो क्या साथ में? हाँ किताब भी लिख रहे हैं पर कैमरे से वीडियो बनाता है YouTube। खारजे से पहुंच गए यार, अभी 3 बजने को है और 15 किलोमीटर साइकिल को खींच खांच के लेके आए हूँ, पर यहाँ पे कोई डंकी शॉप नहीं है। भाई बता रहे हैं थोड़ा सा 10 किलोमीटर तो मेरे वार्म शावर के जो गेस्ट होस्ट है वो आ रहे हैं, वो मेरा कुछ अरेंज करेंगे, तो हम उनका वेट कर रहे हैं। वो अभी नेक्स्ट सिटी RAZE करके है, RAZE से जा रहे हैं, तो लेट्स सी तब तक हम इंतज़ार करते हैं। और मुस्तफ़ा भाई आ गए हैं और उन्होंने यहाँ पर हमने 3 जगह पता किया, कहीं भी जो गियरबॉक्स है की गिरारी होती है वो नहीं मिली और उसकी वजह से चलना मुश्किल है। तो यहाँ से अगला शहर जो है वो 30 किलोमीटर है RAZE, जहाँ पे मुस्तफ़ा भाई रहते हैं, तो वो मुझे उन्होंने अपनी गाड़ी में मेरी दन्नों को रख लिया है, वहाँ तक ऐसे ही जाया जाएगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं हमारे पास। थैंक यू फॉर यू, ग्रेट थैंक यू। इस भाई ने मुझे काम करके दिया, थोड़ा सा पैसे तो फालतू लिए हैं, मतलब लेबर के ले लिए इसने 800 रुपये, तो यह गलत है ना, पर ठीक है यार मजबूरी में। जिन एक भाई वो है जो मुझे 40 किलोमीटर से लेके आया और एक भाई ये है, इनका बिजनेस है, पर बिजनेस भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका बाहर के आदमी को थोड़ा सा वो करना चाहिए। खैर ये तो पार्ट है जर्नी का, ऐसे तो चलते हैं। अब हम भाई के कैफ़े पे जाना है, कैफ़े का एड्रेस मुझे पूछना पड़ेगा। बाहर हो चुकी है सर्दी बढ़िया वाली और बिल्कुल समुंदर के पास में है, तो देखते हैं। आया बात शुरू
राज कमाल राज Muhtar Aday. Bu İstanbul'da. Nasılsınız? Doktor Raj. Muhtar İngilizce var mı? Gülbahar Mahallesi Muhtar Adayı Halim Sultan'dan. Tamam, bunu hatıra olarak sakla, tamam. Sevil Facebook'tan ekle beni, Facebook'tan. Tamam, İstiklal Facebook'tan. İngilizce mi? Tamam. Nasıl gençlik? Hepiniz. Az buz biliyorum ben yani. Beğenip seversin. Ne dediğini seversin. Sevil var. मजा आ रहा है यार ये गेम खेला. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस गेम व्हाट नाम नंबर एज व्हाट इज एज माय एज माय एज 40 40 40 40 Abi bakalım. Half. You half. Bir çay veriyorsun. You half. Sen çay bir şey sen. My pleasure. Kardeşim seviyoruz demek de. Yelik kedi ya bay. Can you see? Thank Bütün you insanları seviyoruz. Thank you, thanks a lot. तो मजा आता है. यही चीज तो मुझे चाहिए थी और यही चीज आप लोगों को दिखाने थी कि क्या टर्किस में अपना दूसरा दिन कैसा जा रहा है. अब ये मत बोल देना कि हमें टर्किस में कुछ लोकल कल्चर नहीं दिखाया. ठीक है. नंबर ऑफ गेम इज ओके 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 यस ओके. इस गेम का नाम इज ओके. नेम इज ओके. ओके वाओ. Okay. Okay, Sim. This is rock. Rock. Yes. Rock. Okay. We never play. No, no smoking. Yes, yes, we nice. It's fine. YouTube kanalın ismi konsistans. Yeah, I know. I read some Batuhan YouTube kanalın ismini sordun mu? Şarjım var. My you YouTuber kanals. साइकिल बाबा भाई मेरी जगह भाई खेल रहा है. मुझे तो खेलना आता नहीं है. पर प्ले पर मेरे पास आई नहीं है. ये मुस्तफा भाई का कैफे है और हम कैफे के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे गेम ही गेम खेला जाता है और चाय पी जाती है. इसके अलावा और कोई काम नहीं होता. इट्स रियली अमेजिंग, इट्स अनबिलीवेबल. मतलब पूरे एरिया के लोग वहाँ पे आके ना, और इवन पॉलिटिशियन लोग भी यहाँ पे. इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही है तो जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पे आके बैठ के ना. मिस्टर सुल्तान थे अभी मेरे साथ में बातें कर रहे थे. तो इट्स अमेजिंग यार. मतलब इलेक्शन के टाइम में भी लोग इकट्ठे बैठ के ना और मज़े ले रहे हैं और एक हमारा इलेक्शन है. कांट बिलीव. गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल. कहता भाई सारे सारे सवेर सवेर हो गई है, हम उठ गए हैं. तो पीछे आप देख रहे हो मेरे मुस्तफ़ा भाई के अवार्ड और अभी हम चलने की तैयारी कर रहे हैं. आज है त्रबजोन. त्रबजोन पहुंचेंगे और वही कोस्टल रूट लेंगे आज फिर हम. बट मैंने एक चीज़ सीखी है कि आदमी के पास पैसा हो ना हो, दिल बड़ा होना चाहिए. और वो मुस्तफ़ा भाई से सीखी है. वो एक कैफ़े चलाते हैं, सिर्फ चाय बेचते हैं इस पूरे कैफ़े में. आपको दिखा दूं मैं. और ये उनका पूरा कैफ़े है. यहाँ पर भीड़ नहीं टूटती है, सिर्फ चाय चाय की दुकान है. और बहुत सारे लोग आते हैं. शाम को एक गेम खेला जाता है, वो गेम मैंने ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ. मैं आपको एक चीज़ और बतानी जो मैं भूल गया था. वार्म शावर करके एक हमारी कम्युनिटी है साइकिलिस्ट की अराउंड द वर्ल्ड. तो एक साइकिलिंग कम्युनिटी है, जैसे काउच सर्फिंग है ऐसे ही वार्म शावर है. और मुस्तफ़ा भाई वार्म शावर के मेंबर है. अराउंड द वर्ल्ड मेरे ख्याल में 1.5 लाख के करीब मेंबर होंगे इसके. और उनमें से एक है, मैंने इनको रिक्वेस्ट भेजी थी, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज किया था. इनका रिप्लाई भी आया और इन्होंने मुझे होस्ट भी किया. इंडिया में बहुत सारे साइकिलिस्ट आते हैं वर्ल्ड वाइड, जो पूरे विश्व में से इंडिया को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं और साइकिल से ट्रैवल करते हैं. तो अगर आप भी किसी साइकिलिस्ट हैं या फिर साइकिल से प्यार करते हैं या फिर विदेशी कल्चर को सीखना चाहते हैं तो आप अपने आप को वार्म शावर पे रजिस्टर्ड करिए और आप होस्ट कर सकते हैं किसी को भी. काउच सर्फिंग पे भी रजिस्टर्ड करिए. आपको घर बैठे विदेशों के लोग मिलेंगे. उन लोगों को भी बहुत कुछ नहीं चाहिए, उन लोगों को प्यार चाहिए. आपका कल्चर देखने के लिए वो लोग आ रहे हैं. जैसे अब मैं आ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुर्की का कल्चर देख के जाऊँ.
ऐसा ही वो लोग चाहते हैं कि हम इंडिया का कल्चर देख के जाएं, उन्हें हमारी रियलिटी दिखाइए, हमारी जड़ें दिखाइए कितनी मजबूत है, ऐसा मेरा सोचना है। बाकी तो लेक्चर आप कहोगे कि लेक्चर देने लग गए भाई, तो भाई आपा कोई लेक्चर लुक्चर नहीं देते, आप हैं मस्ती में, चलो अब नई बस्ती में, हम तो हैं मस्ती में, चलें अब नई बस्ती में। क्या बात कही है मैंने, सवेरे सवेरे शायर भी बन गया हूँ मैं। भाई ने गन भी रखी हुई है, इस ओरिजिनल ओरिजिनल 50 yıllık 88 yıls 50 अच्छा, इनको इंग्लिश नहीं आती है, 50 yıllık 50 ईयर ओल्ड, तो ये बता रहे हैं कि ये बंदूक जो है 50 साल पुरानी है, गजब है। और ये इनका, ये इनकी रसोई है, सिर्फ यहाँ पे चाय बनती है, दो तीन तरह की चाय रखते हैं और यहाँ पे गर्म पानी होता है, मिक्स करते हैं और डाल देते हैं। 60 ईयर ओल्ड, ये जो इन्होंने टांगा हुआ है ये 60 साल पुराना है। और ये 30 साल पुराना है। लहाना कैप्चे डोंको कादे या डेपोसु या साक्लामा कब तेरे या साक्लामा कब। ओके, तो हमारी जो भी बातें होती हैं वो सारी गूगल ट्रांसलेट के द्वारा होती है। और यरसेल आशात एव एरजक एरजक साक्लामा येरे लोकल वुडन हाउस, ऐसा पुराने मकान होते थे ऐसा उन्होंने मुझे बताया। बुनलार दा यरसेल मीमारे ताश एवलर रिजे, पुराने जो मछुआरे होते थे उनका मकान होता है रिजे, यरसेल ताश एवलर रिजे लोकल स्टोन हाउसेस, वो पत्थरों का बना हुआ मकान होता था ऐसा इन्होंने, ऐसा मुस्तफ़ा भाई ने सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इट्स अमेजिंग यार कि हर चीज़ को, और सबसे बड़ा प्यारा चीज़ लगी तो मुझे ये गेम लगा इनका। नाउ टाइम टू से बाय बाय टू रिजे गुले गुले बाय बाय गुले गुले। टाइम टू से बाय बाय टू रिज, तो चलो चलता हूँ, मिलता हूँ रास्ते में कहीं ना कहीं।